नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा हिसार जिले के सिहाड़वा गांव से बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। सिहाड़वा गांव के दो किसान अपने खेत में बने कुएं के अंदर वह मोटर सेट करने के लिए कुएं के गहराई में गए हुए थे, तभी अचानक मिट्टी ढहने से हादसा हुआ और दोनों ही उसके अंदर वहाँ पर दब गए और वहाँ पर एक महिला भी थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उन्होंने जल्दी से ग्रामीण लोगों को वहाँ पर सूचित किया और गांव वालों ने भी काफ़ी मशक्क़त की। वहाँ पर जेसीबी मशीन के साथ और अपने ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी हटाने में वो लग गए। यह घटना रविवार सुबह 7:30 बजे की है और उन्होंने प्रशासन को भी सूचित किया तो वहाँ पर NDRF और आर्मी की टीम पहुँचने में समय लग गया। और जब आर्मी पहुँची अपनी पोपलैंड मशीन और जेसीबी मशीनों के साथ तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्होंने जगदीश को निकाल लिया। वह जिंदा नहीं थे, यह बुरी खबर है। और उसके बाद ग्रामीणों की सहायता से और NDRF की टीम पोपलैंड और जेसीबी मशीनों के साथ अभी भी लगी हुई है। लगभग अभी 65 घंटे बीत चुके हैं लेकिन किसान जयपाल अभी तक कुएं के अंदर नहीं मिला है। वहाँ पर गाँव वाले भी सहयोग कर रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ और वहाँ पर जो टीम आई है उनके लिए खाने और पानी की व्यवस्था में भी सभी लगे हुए हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी अभी तक किसान जयपाल को कुएं के अंदर से निकाला नहीं गया है। बहुत समय अब तक बीत गया है, ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। कभी बोरवेल में बच्चा गिर गया तो अब ये कुएं का हादसा हो गया है। प्रशासन को कोई ऐसी खास तकनीक का इजाज भी करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी अंदर जो दबा हुआ होता है उसे निकाला जा सके। तो आपके कोई विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।